एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि वो सीधा चीफ जस्टिस के पास जाएं, वही फैसला करेंगे। केजरीवाल और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी को तब ही समझ जाना चाहिए था कि अब उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन केजरीवाल उम्मीद की डोर थामे रहे। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका ही खारिज कर दी। अब वे तिहाड़ जेल में ही 2 जून की रोटी खाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध किए जाने की मांग की थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना ही होगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर 1 जून तक जेल से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अदालत के पिछले आदेश का हवाला दिया। अदालत ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को 1 जून तक सीमित कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत जाने की स्वतंत्रता दी थी। याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये अर्जी विचार योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब ये स्पष्ट हो चुका है कि अरविंद को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा। अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें कुछ गंभीर बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी है जिसमें उन्हें कुछ वक्त लगेगा। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया था कि अरविंद केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के संबंध में कोई भी फैसला सीजीआई ही लेंगे। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन के वोकेशन बेंच ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम याचिका को स्वयं सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था। बेंच ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी से ये पूछा कि याचिका को तत्काल सूचीबद्ध किए जाने के लिए पिछले सप्ताह तब क्यों इसका उल्लेख नहीं किया गया, जब मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत देने वाली पीठ में शामिल जस्टिस दीपंकर दत्ता अवकाश पीठ में बैठे थे। मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत देने वाली पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने की थी। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को प्रचार करने के लिए 1 जून तक यानी 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके अनुसार उन्हें 2 जून को जेल लौटना है। अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और उसे क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। ईडी कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और सुनवाई के दौरान रिश्वत की रकम को ठिकाने लगाने वाले विनोद चौहान के साथ केजरीवाल की चैट के सबूत ईडी ने कोर्ट के सामने पेश करते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। माना जा रहा है कि जेल से अब केजरीवाल का बाहर आना काफी मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।